उसने एक थोड़ा ऐसा वाला मुकाम बनाया कि लोग मुझे अच्छी तरीके से पहचानते गए। और इमाम सिद्दीकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमाम सिद्दीकी भी अपने आप में मतलब बिल्कुल अपनी एक अलग सी पहचान रखते हैं, अपनी एक अलग सी हस्ती रखते हैं। उनके साथ हमको बहुत मज़ा आता था। उन्हीं को एक्चुअल में ये अंताक्षरी का कीड़ा है जो कि उन्होंने पूरी यूनिट में फैलाया और उसी को लेकर के हम कैरी ऑन करते रहे। इमाम भाई हमको ले जा करके गोवा के दर्शन कराते थे कभी कभी, कुछ कुछ अच्छी अच्छी जगह पे लेके जाते थे और हम लोग बहुत एंटरटेन करते थे। एक जगह लेके गए जहाँ कैरिया को मतलब आप जानती हैं कि सामने स्क्रीन पे बड़ी बड़ी मतलब गाना चलता रहता है, उसका बैकड्रॉप पे म्यूजिक बजता रहता है, लाइनें लिखी लिखी आती रहती हैं। मेरे को बड़ा शौक है इस तरह से गाने का, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कराई और मैं थैंक्स इमाम भाई का। हम बात करेंगे हासिल से होटल ब्यूटीफुल तक के सफ़र की, कितना चैलेंजिंग रहा सफ़र आपका? मतलब हासिल से लेकर के होटल ब्यूटीफुल तक आते आते लाइफ में मतलब मुझे इस तरह का चैलेंज नहीं लगा कि बहुत खतरनाक जर्नी रही हो, है ना। ईश्वर की कृपा से यह रहा कि मतलब कि अच्छा है कि लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत जो भी टैलेंट है मेरे अंदर वो मुझको पहचाना और मुझको रेगुलर काम दे दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप रेगुलर काम करते जाइए और वो मुझको मिलता रहा। ये प्रभु की कृपा है और इंडस्ट्री की कृपा है, यहाँ के जो लोग हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनकी कृपा है कि वो मुझे पहचान रखते हैं, मेरे को पहचानते हैं और मुझे मेरा काम देते हैं। कोई ऐसा रोल जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से टर्न कर दिया, वहाँ से रिकॉग्निशन मिलने लगा? एक रोल पहले था मिथ्या में, उसके बाद एक रोल आया पान सिंह तोमर में, प्रेस रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर तो जिसने एक थोड़ा ऐसा वाला मुकाम बनाया कि लोग मुझे अच्छी तरीके से पहचानते गए और मुझको अच्छा काम देते गए। मतलब अभी यह है कि सोचते हैं कि मतलब कुछ खास किरदार दिए जाएं और मैं करता हूं उनको उस तरीके से। आपने लगभग सभी अच्छे स्टार्स के साथ भी काम किया। जी जी, तो कितना कौन सा ऐसा सुपर स्टार रहा जिसको देख के ये लगता हो कि हाँ अब ये इस आदमी में बहुत पोटेंशियल है? देखो मैंने जिसे कहना चाहिए कि संजय दत्त साहब से लेकर के आपका आमिर खान, और एक फिल्म की थी मैंने रणवीर कपूर के साथ बेशरम, लेकिन उसमें मैं आया नहीं, मेरा सारा करेक्टर चॉप हो गया उसमें। लेकिन इन तीनों के ही साथ काम करते करते, इन सुपरस्टार लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, सलमान भाई के साथ भी मैंने किया एक ये प्रेम रतन धन पायो, तो पर वो थोड़ा था पर बहुत एंटरटेनिंग था। तो होता क्या है कि मतलब जब आप इन लोगों के साथ काम करते हैं तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है और सब चीज़ बड़ी गतिमय तरीके से बहुत कायदे नियम के साथ हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। होटल ब्यूटीफुल के बारे में और क्या कुछ रहस्य खोलना चाहेंगे कुछ? होटल ब्यूटीफुल का तो रहस्य अपने आप में ये है कि वो इतने सही समय में शुरू होकर कम्प्लीट भी हो गई, ठीक है। और इसके अंदर मेन क्या है कि मेरा और जॉनी भाई का एकदम तकरार रहता है इसमें बना हुआ है। जॉनी भाई जो किरदार निभा रहे हैं वो मतलब उनके फोर फादर, मतलब अब मेरे दादाजी और उनके दादाजी, है ना, वो दादी, उनकी दादी और मेरे दादाजी, तो उनकी दादी ने मेरे दादाजी को किस तरह से पटा के और इस होटल का जो शेयर था वो अपने नाम करा दिया और मैं सिर्फ 10% में रह गया। तो ये हमारी एक लड़ाई झगड़ा, एक जो चोंच लड़ती रहती है हमेशा, और ये फिल्म को देख के ही मालूम पड़ेगा कि एट लास्ट मैं इसमें सफलता हासिल करता हूँ कि नहीं। बात करेंगे डायरेक्टर की, डायरेक्टर का कितना प्रेशर रहा आपके ऊपर काम कराने को लेकर? डायरेक्टर के ऊपर बहुत सारा प्रेशर इस तरह से था कि एक तो ड्रामा को आप सिनेमा में किस तरह से ले जाते हैं, उसको किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्ले बहुत अच्छा किया था। उसके बाद ये होता है कि हम इसको सिनेमा के तरीके से जब बनाएं तो उसमें भी सफलता हासिल करें, और डायरेक्टर ने रात दिन एक करके किसी तरह से इतने कम समय में, इतने कम वक्त में एक अच्छी सी और एंटरटेनिंग फिल्म दी बना करके, और आगे भी क्या बोलते हैं अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं इसको रिलीज़ करते करते। तो डायरेक्टर का प्रेशर तो शुरू से लेकर आखिर तक बना रहेगा और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि समीर इस काम में इतनी सफलता हासिल करते आए हैं तो आगे भी सफलता हासिल करें। समीर जी ने आपको किस तरह से अपने रोल के बारे में समझाया, क्या क्या बातें बताएं कि उसको इस तरह से करना है, या कुछ रोल के बारे में बताएं, उन्होंने कोई ऐसा एकदम रोल में कैरेक्टर में उतर के कुछ बातें करें आप?